नमस्ते दोस्तों, ममता यूपी ब्लॉग्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हो, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सहजन और आलू की सब्जी। तो दोस्तों सहजन के पेड़ के पास हम आ गए हैं, ये है सहजन का पेड़। दोस्तों देखिए बहुत सारे सहजन खड़े हैं, तो इसमें से हम तोड़ लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा फरा है। तो दोस्तों देखिए सहजन इतना अच्छा लग रहा है, तो इसमें से हम खरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सब्जी बनाने के लिए हम थोड़ा तोड़ लेते हैं। तो देखिए सहजन को हमने तोड़ लिए, थोड़ा तोड़ लेते हैं। तो डार बहुत ऊपर है, हम इसे ऐसे नीचे लटका कर डार को ऐसे तोड़ लेते हैं। तो सहजन को हमने ले लिया है, चलते हैं घर। तो दोस्तों सहजन को लेकर हम आ गए हैं और इसे ऐसे पहले काट लेते हैं, ये देखिए। और ऐसे ही सारे सहजन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं, ये देखिए। तो ऐसे ही सारे सहजन को हम ऐसे काट लेते हैं और ऐसे ये निकाल देते हैं। दोस्तों सहजन को बाजार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो हमने तो सहजन को लगाए हैं। तो सहजन की सब्जी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो दोस्तों आप सब भी एक बार बनाकर खाइए। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। सारे सहजन को हमने अच्छे से काट लिए हैं और ये देखिए। तो सहजन के छिलके से हम ऐसे बांध लेते हैं, ऐसे ही हम बांध लेते हैं। तो इसे हमने अच्छे से ऐसे सहजन के छिलके से बांध लिए हैं, ये देखिए। ऐसे ही सारे सहजन को हम बांध लेते हैं, गट्ठर बना लेते हैं। सारे सहजन को हमने अच्छे से काट लिए हैं और ये देखिए ऐसे बांध लिए हैं। तो दोस्तों देखिए सहजन को हमने अच्छे से धो लिए हैं और ये आलू, आलू के छिलके को हमने निकाल लिए हैं। आलू सहजन को धोकर हमने रख लिए हैं। तो सहजन की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या क्या सामान लिए हैं, ये देखिए। कड़ी पत्ता, प्याज, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, अदरक, हरा मिर्च, लहसुन और एक टमाटर। तो सारे मसाले को हम पीस लेते हैं, थोड़ा प्याज और लहसुन मिर्चा, सारे मसाले को हम मिक्सर में पीस लेते हैं। तो सारे मसाले को हमने मिक्सर में ले लिए हैं और टमाटर को भी ले लिए हैं। तो हम इसे अच्छे से पीस लेते हैं। तो देखिए मसाला मेरा तैयार हो गया है, तो इसे हम एक कटोरी में इसे ले लेते हैं। तो सारे सामान को इकट्ठा कर लिए हैं, गैस को हमने चला लिए हैं, रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई मेरी लाल हो रही है, अब हम इसमें डालते हैं सरसों का तेल। तेल को हमने डाल दिए हैं। तो तड़का देने के लिए हमने यहाँ पर ये जीरा और ये कटा हुआ प्याज और ये कड़ी पत्ता को ले लिए हैं। तो तेल लाल हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा, कटा हुआ प्याज और एक कड़ी पत्ता। तो
देखिए अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये सहजन और आलू। तो अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेते हैं पहले। और इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से ऐसे चला देते हैं। तो सब्जी को हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। तो मसाले को हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से इसे मिला देते हैं। तो मसाले को हम अच्छे से सब्जी के साथ मिलाकर भून लेते हैं और अच्छे से पका लेते हैं। खाली से इसे हम अच्छे ढक देते हैं। सब्जी को हमने अच्छे से भून लिए हैं। अब इसमें डाल देते हैं पानी, थोड़ा सा डाल देते हैं पानी। पानी को हमने डाल दिए हैं। तो थाली से अब हम इसे ढक देते हैं ताकि अच्छे से पक जाए। तो देखते हैं सब्जी हुआ है कि नहीं। तो देखिए सब्जी होने वाली है। तो सब्जी हो गई है। अब ये कटा हुआ हरा धनिया के पत्ते को हम डाल देते हैं। अब अच्छे से ऐसे मिला लेते हैं। तो दोस्तों देखिए सहजन और आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो दोस्तों सहजन की सब्जी दाल चावल और रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।